हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और कोविड में अपना ध्यान रखिए। जिस तरह कोविड फिर से बढ़ रहा है, ऊपर से कोविड के साथ साथ गर्मी भी बहुत तेज़ हो गई है। 47 डिग्री है हमारे यहाँ, तो आप लोग बता सकते हैं आपके यहाँ कितना है। तो अब गर्मी और कोविड तो अपना काम कर रहा है, एज अ स्टूडेंट हमें भी अपना काम करना है। तो आज हम लोग सीटेट 2021 का सोशल साइंस का पेपर सॉल्व करेंगे। ये जूनियर वाला है। तो देखते हैं कैसे क्वेश्चन आए थे। और ये क्वेश्चन पेपर मैंने अपने फ्रेंड से लिया है, तो मैंने 2-3 लोगों से मांगा था, खैर उनके पास था नहीं। तो मैं अपनी फ्रेंड को बहुत 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 सारा थैंक यू बोलूँगी। खैर, अब देखते हैं क्वेश्चन पेपर में कैसे क्वेश्चन आए थे। तो आज 60 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति कहलाता है। मतलब जो जो मतलब हमारे अतीत में, मतलब बीते हुए कल में, मतलब जो पुरानी वस्तुओं के अध्ययन करता है, जो खोज में पाई गई वस्तुएं होती हैं उनके बारे में जो स्टडी करता है, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं। तो इसमें सही ऑप्शन तो ठीक है, फिर भी हम सारे ऑप्शन पे ध्यान देंगे। पहला है पुरातत्वविद, दूसरा है जीवाश्म विज्ञानी, तीसरा है इतिहासकार, चौथा है संग्रहालय विज्ञानी। तो इसका सही आंसर तो पुरातत्वविद है, आर्कियोलॉजिस्ट इंग्लिश में कहेंगे। जीवाश्म विज्ञानी वो होता है जो जो फॉसिल्स की स्टडी करता है, और इतिहासकार तो हिस्ट्रीशियन, ठीक है, और इतिहास की स्टडी करने वाला इतिहासकार, और चौथा है संग्रहालय विज्ञानी। तो ये जो एंटिक पीसीस का जो कलेक्ट करके उनके बारे में स्टडी करता है, ये उसे कहते हैं, ठीक है, संग्रहालय। या संग्रहालय मतलब म्यूजियम होता है ना, तो उसके बारे में, उससे रिलेटेड समथिंग, लाइब्रेरी से रिलेटेड ये वो है जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी अगर आपको सही पता हो तो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट, भारत में 2006 में लागू हुए किस कानून ने औरतों के हिंसा मुक्त घर के अधिकार को स्वीकार किया। अच्छा, 2006 में लागू किस कानून ने औरतों के हिंसा मुक्त घर के अधिकार को स्वीकार किया। पहला है घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम, दूसरा है दहेज मृत्यु दंड अधिनियम, तीसरा है यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम, चौथा है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। इसका सही आंसर है घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पहले पालतू बनाए गए पशुओं के दावे निर्धारण में निम्नलिखित में से किन प्राथमिक स्रोतों का आप हवाला देंगे। पहला है पांडुलिपि, दूसरा है लघु मूर्ति वाले खिलौने, तीसरा है गुफा चित्र, चौथा है कब्रगाह। कब्रगाह यानी जहाँ मुर्दे दफनाए जाते हैं, कब्रगाह। तो क्या पूछा है, पहले पालतू बनाए गए पशुओं के दावे। अच्छा, मतलब कि हमें हमें कहाँ से पता चलता है कि जो पहले डोमेस्टिक एनिमल्स कौन कौन से थे, या उन्हें उन्हें पाला जाता था, उनके बारे में सोर्स हमें कहाँ से मिलता है। तो इसका तो आंसर होना चाहिए लघु मूर्ति वाले खिलौने। हाँ, खिलौने जो मिले हैं खुदाई वगैरह में, उनसे एक तो पता चलता है, गुफाओं में जो चित्र बने रहते हैं उनसे पता चलता है, और कब्रों में मतलब मुर्दों के साथ कुछ जानवरों के भी अवशेष मिले हैं जिनसे ये पता चलता है, ठीक है। पांडुलिपि तो जो हाथ से लिखी गई किताबें होती हैं वो होती है, और उस वक्त ये कुछ खास मिली नहीं है, तो इसमें बी सी और डी हो जाएगा सही आंसर। देखते हैं कौन सा दिया है, ये दिया है बी सी एंड डी, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग निम्न में किनको जोड़ता है। ओके, जो
गोल्डन क्वाड्रेट है वो किन किन मतलब स्टेट्स को जोड़ता है। तो है ऑप्शन पहले ही सही है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, क्योंकि जैसे ये हमारा भारत है तो ये चारों डायरेक्शन में बना है, ऐसे बना है। तो यहाँ पे हमारा दिल्ली हो गया, यहाँ पे हमारा मुंबई हो गया, चेन्नई थोड़ा नीचे आ जाएगा और कोलकाता यहाँ पे हो गया। तो ये ऐसे ऐसे क्वाड्रेट बनाता है। तो इसका सही आंसर ए है हमारा। नेक्स्ट, ये अगर आपको मैप पता है ना तो उससे भी सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट, सही मिलान करें, ईदगाह, दरगाह, कुलदेव, सेख, खानकाह, इनका मिलान इनसे करना है। ए है ऐसा रास्ता जो एक जगह जाकर बंद हो जाता है, सूफी संतों के लिए विश्राम घर, खुला प्रार्थना स्थल और संत का मकबरा। ओके, ईदगाह तो खुला प्रार्थना स्थल हो जाएगा। तो पहले का सी किस में दिया है? पहले का सी सेकंड में ही दिया है, तो सेकंड हमारा सही आंसर हो जाएगा। जब हमें सारे आंसर ना पता हो ना तो एक को मिला के तुरंत ऑप्शन चेक कर लो। चलो तो बाकी भी देख लेते हैं हम। दूसरे का डी दिया, यानी दरगाह का संत का मकबरा, हाँ ये भी सही हो जाएगा। तीसरा है कुलदेव शेख, कुलदेव शेख का ए दिया, ऐसा रास्ता जो एक जगह जाकर बंद हो जाता है। तो ये नया वर्ड है मेरे लिए, तो मैंने नहीं पढ़ा है सोशल में ये, तो ये याद रखना चाहिए। खानकाह, खानकाह है बी, सूफी संतों के लिए विश्राम गृह। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हजारों साल पहले लोगों ने रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट की यात्रा किस माध्यम से की थी? पैदल, घोड़े की सवारी, ऊँट की सवारी, बैलगाड़ी। इसका पैदल आंसर होना चाहिए, देखते हैं। अच्छा, कॉम्बिनेशन में है, सॉरी, ए बी और सी, यानी पैदल, घोड़े की सवारी और ऊँट की सवारी। ठीक है, तीनों सही है, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। आजकल ऐसे कूट वाले क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं जिसमें मैच करके हमें कॉम्बिनेशन सही बताना पड़ता है, तो वो हम तभी बता सकते हैं जब हमें गलत पता हो कि हाँ ये नहीं होगा। तीनों सही हमें पता होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किन शब्दों का 1949 में संविधान की प्रस्तावना में भारत को संबोधित करने के लिए उपयोग किया गया था? और 1949 में लोकतांत्रिक, समाजवादी, गणतंत्र, संप्रभुत। अच्छा, इस क्वेश्चन को उन लोगों ने नहीं मतलब कंसीडर किया और सबको इसके मार्क्स दिए गए थे, क्योंकि इसके सारे ही मेरे ख्याल से कॉम्बिनेशन सही हैं और इसमें वो कॉम्बिनेशन दिया नहीं, क्योंकि लोकतांत्रिक तो है ही है, हमारे संविधान में कहा गया है। समाजवादी, गणतंत्र और संप्रभुत राष्ट्र बनाने के लिए तत्पर है, तो इसका मेरे ख्याल से ये सारा होना चाहिए और ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं है। नेक्स्ट है लद्दाख, लद्दाख के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत पूछा है यहाँ। अभी हाल ही में लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग कर दिया गया है, तो लद्दाख से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं बन जाए उन्हें भी आप एक बार देख लेना, जैसे इसने पूछा है गलत पूछा है, कौन सा कथन गलत है, यानी हमें तीन सही पता होने चाहिए। यहाँ ग्रेंगी हिमानी अवस्थित है, ग्रेंगी। लद्दाख की राजधानी लेह जोजिला दर्रा के माध्यम से कश्मीर घाटी से जुड़ा हुआ है, हाँ ये तो सही है। क्योंकि यह हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है अतः यहाँ वर्षा बहुत कम होती है, ये भी सही है। लद्दाख को वो कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं, मतलब ठंडा रेगिस्तान। फिर तीसरा है इसके दक्षिण में काराकोरम पर्वत श्रेणियाँ तथा उत्तर में जास्कर पर्वत स्थित है। लद्दाख हमारा यहाँ पे है, ये पूरा हिस्सा हमारा लद्दाख है, तो बोला इसके दक्षिण में काराकोरम, नहीं काराकोरम तो यहाँ है उत्तर में है, ठीक है, इसलिए यही वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। देखो मुझे ये वाला ऑप्शन का कंफ्यूज थी कि ये गलत है कि सही है, इसलिए मैंने इसे छोड़ के बाकी तीनों को पढ़ा, और ये वाला मैं कंफर्म हूँ कि ये वाला गलत है, तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा।
ऐसे भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारखाना भ्रमण विषय पर परियोजना कार्य देते समय निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य हो सकते हैं। अच्छा, कारखाना भ्रमण करने, ठीक है, यानी किसी किसी फैक्ट्री को वो लोग फैक्ट्री के टूर पे ले गए हैं, अब उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट वर्क देना है, तो उसका एम क्या होगा हमें ये बताना है। पहले तर्क करने के कौशल को अर्जित करना, तर्क, अच्छा मतलब रीजनिंग करने के लिए। दूसरा है समूह में कार्य करने के कौशल को सीखना। तीसरा है अन्वेषण कौशल को विकसित करना। चौथा है परिकल्पना करने के कौशल को सीखना। परिकल्पना, परिकल्पना तो इसमें नहीं होगा, जब भ्रमण में लेके जा रहे तो वहाँ परिकल्पना क्यों करेंगे, वहाँ तो सीधा देख के सीखेंगे। दूसरा सी दिया है अन्वेषण कौशल को विकसित करना, अन्वेषण कौशल, अन्वेषण एनालिसिस, हाँ तो ये हो सकता है। और बी क्या है, समूह में कार्य करने के कौशल को सीखना, बिल्कुल, जब हम भ्रमण में जाएंगे तो वहाँ पे वर्कर जो होंगे वो साथ में काम कर रहे होंगे, और उन्हें देख के टीम वर्क की एक टीम वर्क का स्पिरिट डेवलप किया जा सकता है बच्चों में। तर्क करने के कौशल को अर्जित करना, ये नहीं है, तर्क क्यों करेंगे, मतलब कि रीजनिंग यहाँ पे कैसे लग गई यहाँ, तो इसका सही आंसर बी और सी। अगर अगर ए बी सी तीनों दिया होता तो वो सही हो जाता, लेकिन ए हमें दो को मैच करना है तो बी और सी ज़्यादा सही है, कि एक समूह में कार्य करने की करने का जो कौशल है वो विकसित होगा बच्चों में, ये उद्देश्य हो सकता है। दूसरा अन्वेषण कौशल को विकसित करना, मतलब एनालिसिस करना, कि जब भी कोई टीम वर्क करता है तो एक एक सुपीरियर मतलब एक एक लीडर होता है, ठीक है, वो एनालाइज करता है या और बाकी सारे लोग उसे जब फॉलो करते हैं तो उनमें डिस्कशन वगैरह होता है, तो मेन यही दो ही इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही है, तो ए वाला सही रहेगा। नेक्स्ट है, भारत का संविधान वोट डालने का अधिकार देकर स्थापित करता है, पहला सामाजिक लोकतंत्र, दूसरा राजनीतिक लोकतंत्र। तो इसका केवल कहाँ गया, सॉरी, सामाजिक लोकतंत्र, राजनीतिक लोकतंत्र, नहीं राजनीतिक लोकतंत्र हो गया इसमें, क्योंकि हम लोग वोट देके अपनी अपनी सरकार चुन रहे हैं ना। सामाजिक लोकतंत्र तो जस्टिस से आता है जहाँ तक मुझे पता है कि उससे एस्टेब्लिश होता है। दूसरा है एक भूगोल की कक्षा में पाठ्य पुस्तक का उत्तम प्रयोग होता है, मतलब जो बुक का यूज़ है वो ज्योग्राफी के पीरियड में बुक का क्या यूज़ कर सकते हैं, उसे हम मैप वगैरह दिखा सकते हैं और उसे एज अ रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं। देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं, बच्चों के लिए तनाव कम करने का एकमात्र सूचना स्रोत, नहीं, इससे तनाव कैसे कम होता है, इससे तनाव की तो कोई बात ही नहीं जुड़ी है। ज्ञान की निर्धारित मात्रा की प्राप्ति, ऐसा भी नहीं है कि उद्देश्य बताना, उपयोग बताना कि अच्छा अच्छा उपयोग क्या होगा। अगर ज्ञान की मात्रा ही निर्धारित हो जाएगी, मतलब कि एक लिमिटेड आप नॉलेज देंगे, तो वो बेस्ट चीज़ कैसे हो सकती है। तीसरा देखें, निर्धारित समय सारणी में मूल्यांकन के स्रोत हेतु, अगेन ये गलत है, टाइम लिमिट का कोई इससे रिलेशन है ही नहीं। चौथा है सोच विचार और विस्मय हेतु, ये ऑप्शन ही पॉजिटिव है और यही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं, एक जनपद पंचायत भारत के किस स्तर पर काम करती है, ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है तो याद होना चाहिए। ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे या गांव स्तर पे। तो यहाँ पे हमने हमसे पूछा है किसके बारे में, जनपद पंचायत के बारे में, सिर्फ पंचायत पूछा जाता तो हम गाँव लगा देते, ठीक है, लेकिन यहाँ एक जनपद तो ब्लॉक्स में होता है तो ये ब्लॉक हो जाएगा आंसर। इसमें स्वर्ण सिंह समिति वाला भी हो जाएगा कि उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज दिया था। यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा नॉलेज आप लोग ऐड कर लो अपने उसमें। सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। ओके, परंपरागत, पहला ज्वारी ऊर्जा, नहीं, ये कौन यूज़ करता है, कोई यूज़ करता है। दूसरा है जल विद्युत। तीसरा है परमाणु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा के लिए काफ़ी वो चाहिए, हम फाइनेंस चाहिए उसे एस्टेब्लिश करने के लिए,
तो ये भी तो नॉर्मली कोई यूज नहीं यूज करता। बायोगैस, बायोगैस प्लांट अभी जाके बनना शुरू हुए हैं, पहले कहाँ थे। तो ये हमारा सेकेंड ही सही हो जाएगा, जल विद्युत, हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो पावर प्लांट वाली। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, ये तो सबको पता ही था। प्राथमिक स्तर पर इतिहास की पाठ्य पुस्तकों को हमारे अतीत कहा गया है, क्योंकि ये पाठ्य पुस्तक चर्चा करती है, पहला कैसे विभिन्न स्रोतों से इतिहास को पढ़ा जा सकता है हमारे अतीत। ये तो नहीं लग रहा मुझे आंसर। कैसे इतिहास को घटनाओं और तिथियों के आधार पर समझा जा सकता है, कैसे अलग अलग वर्ग और समूह के लोगों के अनुभव अलग रहे हैं। कायदे से तो इसका तीनों होना चाहिए था। हमारे अतीत में लोगों के अनुभवों की भी बात की जाती है, लेकिन इन लोगों ने सेकंड ऑप्शन दिया है, ए और सी। कैसे लोग स्रोतों से इतिहास को पढ़ा जा सकता है हमारे अतीत। ठीक है, तो हम इसी के साथ जाते हैं, ए और सी। फिफ्टीन, सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या को जेंडर विमर्श से जोड़ने हेतु जोड़ने की संस्कृति पाठ्य पुस्तकों में किस रूप में दिखती है। अच्छा, मतलब ओके, महिलाओं और उनसे जुड़े मुद्दों का संदर्भ अधिक होना, महिलाओं के परिप्रेक्ष्य को ऐतिहासिक व तत्कालिक दोनों सरोकारों में शामिल करना। तो हाँ, दोनों ही सही हैं, दोनों पॉजिटिव आंसर है ना। शहरीकरण के संदर्भ में दोनों कथनों को पढ़ें। पहला, औपनिवेशिक काल में शहरीकरण के कारण केवल अमीर लोग शहरों में निकल रही नई नौकरियों की तलाश में गांव छोड़कर जाने लगे। अमीर लोग बोला है। इसका रीजन दिया है, बहुत सी निचली जातियों के लोगों और गरीबों के लिए यह गांव में सवर्ण जमींदारों द्वारा उनके जीवन पर दमनकारी कब्जे और दैनिक अपमान से छूट निकलने का एक मौका था। तो इसका पहला ऑप्शन ही सही है, केवल कथन बी सही है। कथन ए गलत क्यों है? इसका ये होगा कि जब औपनिवेशिक काल में शहरीकरण के लिए केवल अमीर लोग शहरों में नहीं निकल रहे थे, जबकि गरीब लोग जा रहे थे शहरों में नौकरियों के लिए। ठीक है, 17, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है। ओके, एग्रीकल्चर बेस्ड नहीं है। कौन सा? वनस्पति तेल उद्योग, मत्स्य तेल निर्माण उद्योग, और चर्म उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग। आंसर दिख ही गया है। ये किससे? ये एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड है ना, एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन से रिलेटेड है, यही नहीं है कृषि से। निम्न में से कौन सा महासागर बेरिंग जलसंधि द्वारा प्रशांत महासागर से जुड़ा है? बेरिंग जलसंधि, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर, अटलांटिक और आर्कटिक। तो यही सही है, क्योंकि बेरिंग जो है वो जैसे यहाँ पे हो गया हमारा कनाडा, ये हो गया हमारा वो, और यही कनाडा के ऊपर का ये जो अमेरिका वाला पार्ट है, और यहाँ से हमारा ये रशिया, बेरिंग यहीं पे पड़ता है। आर्कटिक मानचित्र विषय पर चर्चा करते समय एक शिक्षक को किन संकल्पनाओं पर केंद्रित होना चाहिए? दूरी एवं अनुमाप से नक्शा बनाना, रेखा चित्र और यथार्थ मापन, दिशा और अवस्थिति, चिन्ह और रंग। क्वेश्चन तो अच्छा है, इसका आंसर क्या है? ओके,
दूरी एवं अनुमापन से नक्शा बनाना। हाँ, डिस्टेंस को उसे ध्यान रखना पड़ेगा। फिर इन लोगों ने दिया है बी, रेखा चित्र और यथार्थ मापन, और सी, दिशा और अवस्थिति। चिन्ह और रंग से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, चिन्ह और रंग कंसिडर किया है। ए, सी और डी। लग ही रहा था यही होना है। देखो, इसमें रेखा चित्र और यथार्थ मापन, यथार्थ मतलब रियल डिस्टेंस, तो जो भी मतलब ये मैप मैप के बारे में जो भी पढ़ाता है वो बोर्ड पे रियल डिस्टेंस तो नहीं शो कर सकता ना। टू डी बोर्ड बोर्ड पे वो टू डी टू डी फिगर बनाएगा, या ज़्यादा ज़्यादा कोई मॉडल से 3D फिगर बता देगा, तो उसमें रियल डिस्टेंस हम शो ही नहीं कर सकते। इसीलिए हमारा बी ऑप्शन गलत है। मतलब ये ज़रूरी नहीं है। बाकी ए, दूरी एवं अनुमान अनुमापन से नक्शा बनाना, ये सही है। अनुमापन मतलब एक उसे उसे एक थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए कि हाँ इतने से लेके इतना डिस्टेंस हो सकता है इसके बीच में, ठीक है। लेकिन यथार्थ मतलब रियल डिस्टेंस के अकॉर्डिंग बनाना ये नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए ए, सी और डी। चिन्ह और रंग इसलिए है क्योंकि ज्योग्राफी में हम पढ़ते ही हैं कि नदी के लिए ऐसा है, ये सिंबल है, हॉस्पिटल के लिए ये है, और क्या है, घर के लिए ऐसा कुछ बना रहता है, तो उन्हें तो उन उन सिंबल्स का यूज़ तो किया ही जाएगा, तभी तभी तो हम उन चीज़ को शो कर पाएंगे मैप में। इसीलिए हमारा ऑप्शन सी मतलब थर्ड सही था। अब क्वेश्चन 20, इतिहास आधारित सिनेमा और तात्कालिक संदर्भों से जुड़े वृत्त चित्र का उपयोग खाली समय को भरने और केवल मनोरंजन के लिए होना चाहिए। केवल आ गया, गलत हो जाएगा। पाठ्य पुस्तकों के स्थान पर होना चाहिए इतिहास आधारित सिनेमा और तत्कालिक संदर्भ, ठीक है, मतलब रियल इंसिडेंट। पाठ्य पुस्तकों के स्थान पर होना चाहिए, व्याकरण और विश्लेषण के लिए होना चाहिए, रुचि और चर्चा को पैदा करने में प्रयुक्त होना चाहिए। इसका डी ऑप्शन सही लग रहा है। लेकिन देखो कॉम्बिनेशन में दिया है तो और भी सही होगा। अब डी के साथ साथ किस किस का कॉम्बिनेशन दिया है? ए का दिया है, सी का दिया है और बी का दिया है। तो बी ऑप्शन क्या है? पाठ्य पुस्तकों के स्थान पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता कि पाठ्य पुस्तक के स्थान पे करना चाहिए। तो डी के साथ, और ए दे रखा है क्या? खाली समय को भरने के लिए। केवल केवल मैंने पहले बताया था ये नेगेटिव है तो ये नहीं हो सकता। अब बचा सी, व्याकरण और विश्लेषण के लिए होना चाहिए। अगर ओनली डी होता तो ओनली डी भी लगा सकते थे, बट सी क्योंकि इसमें दिया है व्याकरण और विश्लेषण, तो हमारा डी और सी का कॉम्बिनेशन सही होगा, जो हमें ऑप्शन नंबर सेकंड में दे रखा है। नेक्स्ट है जलवायु के बारे में दिए गए कथन ए और बी पर विचार करें तथा सही उत्तर का चयन करें। कथन ए, किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। ओके, एक पर्टिकुलर प्लेस पे कई वर्षों तक मापी गई मौसम की एवरेज एवरेज कंडीशन को जलवायु कहते हैं, ठीक है। कथन भी दिया है, किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी समुद्र दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करेगी, गलत है। सिर्फ उस ये समुद्र दूरी से क्या लेना देना, वो तो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होता है जलवायु। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर से हमारा सही हो जाएगा क्योंकि इसमें ए सही है, बी गलत है, बता दिया मैंने कि क्यों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू कार्य का महत्व विषय को पढ़ाते समय शिक्षक को घरेलू कार्य को दर्शाना चाहिए। ऑप्शन है ए, एक ऐसे कार्य के रूप में जो महिलाओं द्वारा किया जाता है, घरेलू कार्य का महत्व बताएं। नहीं, इससे जेंडर बायस होगा, ठीक है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। सेकेंड है, एक ऐसे कार्य के रूप में जिसे पूरा करने में कम समय की आवश्यकता है, घरेलू कार्य। नहीं, ऐसा भी नहीं है, इससे तो और महिलाओं की वो कि बच्चे वैसे ही देखते हैं कि घर पे महिलाएं काम करती हैं, और अगर इसमें ये देखेंगे तो उसका महत्व कि कम कम टाइम की जरूरत होती है तो उसका महत्व वैसे ही कम हो जाएगा, ठीक है। एक महत्वपूर्ण कार्य के रूप में जिसे सम्मान दिया जाना चाहिए, हाँ ये सही है। डी क्या है, एक ऐसे कार्य के रूप में जो पुरुष तथा महिलाओं दोनों द्वारा किया जाता है, डी भी सही है। इससे इक्वालिटी समानता का बोध होता है, ठीक है, पुरुष और महिलाओं के बीच में। इसीलिए डी भी सही है और सी सही है क्योंकि महत्वपूर्ण कार्य,
अगर कम समय में किया जाएगा तो वो यूजलेस काम हो जाएगा, इंपॉर्टेंस ही नहीं देगा कोई। तो सी और डी जिस ऑप्शन में दिया होगा वो सही होगा, देखते हैं। चलो पहले ऑप्शन में ही दिया है सी या डी, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं। अभी कथन दे रखा है और उसका कारण दे रखा है, मतलब एसर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन है। पहला है, भारत में अधिकतर वर्षा मानसूनी पवनों से होती है। ओके। दूसरा है, भारत उष्णकटिबंध में अवस्थित है। देखो दिया तो सही है दोनों, ये कथन भी सही है और ये कथन भी सही है, लेकिन भारत, एक मिनट, भारत में अधिकतर वर्षा मानसूनी पवनों से होती है, ये तो सही है। बी दे रखा है, भारत उष्ण कटिबंध में अवस्थित है यानी ट्रॉपिकल। तो ये भी सही है, ठीक है, ट्रॉपिकल में सही है, ट्रॉपिकल रीजन में ही तो आता है ना भारत, यहाँ से एक कर यहाँ इंडिया है, ये है एक कैप्रिकॉन है, एक कैंसर यहाँ से जाती है, इसके ऊपर जो आता है वो गर्म देश ही होता है। तो दोनों सही है, और ये इस क्योंकि क्योंकि ये उष्णकटिबंध में स्थित है, इसी वजह से यहाँ पे मानसूनी वर्षा होती है। तो आर जो है वो ए का सही सही कारण है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन में ये दे रखा है। ए सही है परंतु आर गलत है, ये ऑप्शन बी दे रखा है। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्यान करता है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो थोड़ा सा अगर मैप याद रहेगा ना तो क्वेश्चन करने में ज़्यादा आसानी रहेगी। विद्यार्थियों में घरेलू सहायक डोमेस्टिक हेल्पर के प्रति सहानुभूति पैदा करने व उनको संवेदनशील बनाने के लिए कौन सी शिक्षण शास्त्रीय योजना सबसे अधिक उचित होगी। ऑप्शन पहला सही है इनमें, छात्रों को किसी घरेलू सहायक से परिचय बनाकर उनके अनुभवों पर एक कहानी लिखने को कहना। हाँ, इसमें वो एक्टिवली इन्वॉल्व हो जाएंगे, है ना, क्योंकि जब हम किसी से वो दोस्ती करते हैं, किसी से जान पहचान करते हैं, तो हम उनके बारे में जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, और जब हम किसी को गहराई से जानते हैं तभी हम मतलब उसके प्रति अपना कोई दृष्टिकोण रख पाते हैं, ठीक है। इसे और अब देखते हैं बाकी के ऑप्शन क्यों गलत हैं। एक घरेलू सहायक को कक्षा में आमंत्रित करना, इससे ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, वो क्लास में आएगा, 5 से 6 मिनट की अपना मतलब एक्सपीरियंस शेयर करेगा और चले जाएगा। अब हो सकता है वो कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को ना बताएं, लेकिन पहले वाले में जब हम किसी से खुद इन्वॉल्व होते हैं, किसी के पास जाके बात करते हैं, तो हम बहुत बारीकी से उन्हें अनुभव कर सकते हैं, देख सकते हैं, हर चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये तो सेकंड इसीलिए गलत है कि 5 6 मिनट के इंटरेक्शन से कुछ नहीं होने वाला। नेक्स्ट ऑप्शन है, घरेलू सहायक के कार्यों पर वृत्त चित्र को दिखाना और वह उस पर चर्चा करना। नहीं, चित्र में भी आप मतलब ये एक तरह से डायरेक्ट नहीं है ना, बच्चे इससे कनेक्ट नहीं कर पाएगा। देख के हम जब किसी चीज़ को देखते हैं तो अलग अलग कंक्लूजन निकालते हैं। फोर्थ है, कक्षा में घरेलू सहायक के एक वास्तविक उदाहरण की वास्तविकता को साझा करना। अगेन ये डिस्कशन, एक तरह से डिस्कशन हो जाएगा, इसमें बच्चा इन्वॉल्व नहीं हो रहा, मेन चीज़ ये है, मतलब बच्चा तो कुछ कर ही नहीं रहा है तो वो कैसे सीखेगा, इसीलिए इसका बेस्ट ऑप्शन जो है वो फर्स्ट ही है। 25, मैला साफ करने की प्रथा को खत्म करने के लिए अपनाई गई सरकारी नीतियां निम्नलिखित में से किस पर प्रतिबंध लगाती हैं। पहला, सफाई कर्मचारी के रूप में लोगों की नियुक्ति। दूसरा, ग्रामीण इलाकों में जन शौचालय का निर्माण। तीसरा, सूखे शौचालय का निर्माण। चौथा, अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन प्लांट का निर्माण। तो इसका सही आंसर यही है कि सूखे शौचालय का निर्माण। इसी से मतलब जितने कम सूखे शौचालय होंगे उतने ही कम नाला साफ करने वालों की ज़रूरत होगी, और उतनी ही ज़्यादा मतलब ऐसे कामों के लिए जो हम लोगों को
हायर करते हैं, लोगों को रखते हैं, वो हमें नहीं करना पड़ेगा और ये खुद ही खत्म हो जाएगी ये प्रथा। नेक्स्ट है, भारत में संविधान का अंतिम व्याख्याता इंटरप्रेटर कौन है? संविधान के बारे में जो फाइनल डिसीजन लेता है या फाइनल उसे उस किसी भी कानून को कानून की परिभाषा देता है, परिभाषित करता है लोगों के लिए, वो कौन है? तो इसका पहला ऑप्शन सही है न्यायपालिका, ये तो सभी को पता होगा। राष्ट्रपति का इसमें कोई काम नहीं है, कार्यपालिका तो कानून को लागू करने के लिए मतलब रिस्पॉन्सिबल होती है और संसद जो है कानून बनाती है। नेक्स्ट है, आप जल्दी जल्दी देखेंगे वरना ये क्वेश्चन पेपर कवर नहीं कर पाएंगे। 27, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उल्का पिंड के बारे में सही है? अभी सही छाटना है, ये केवल मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। उल्का पिंड मतलब एस्टेरॉइड। एस्टेरॉइड ठीक है, इसके बारे में हमें बताना था, तो बोला है मंगल और बृहस्पति नहीं, ये इनके आकार को भू केवल बोल रखे इसीलिए गलत है। इसके इसके आकार को भू भूआब कहते हैं, भूआब। देखते हैं, ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े हैं, इनके पास उष्मा तथा प्रकाश होती है। उल्का पिंड, प्लैनेट को उल्का पिंड कहते हैं क्या? उल्का पिंड तो एस्ट्रॉइड को कहते हैं। देखिए इसका ये सही है, मुझे मुझे इसके बारे में शायद सही जानकारी नहीं है। ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े हैं, सूरज के चारों ओर। ओके, क्वेश्चन 23 है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें। मध्यकाल में शासकों द्वारा विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपना भक्ति भाव दर्शाने के लिए मंदिर बनवाए गए। दूसरा, मध्यकाल में मंदिर नित्य संगीत मल्लयुद्ध जैसे सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र था। मेरे ख्याल से दोनों सही, देखें ए और बी दोनों सही है यार, तो बहुत पहले पढ़ा था मैंने। 29, वर्षा और कोहरा जैसी घटनाएं वायुमंडल की किस परत के अंदर होती हैं? वर्षा और कोहरा तो सबसे पहली वाली उस पर आती है, शोभ मंडल, यही आंसर सही है। ओके, अब आगे देखते हैं हमारा 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन और है अभी। गर्भगृह है, मंदिर के केंद्र में रखा एक छोटा महत्वपूर्ण बक्सा, नहीं बक्सा नहीं है, एक कमरा जहाँ मंदिर के देवी या देवता की मूर्ति रखी जाती है, यही है गर्भगृह। गर्भगृह। तीसरा, मंदिर के शीर्षक पर, जब हमें सही आंसर मिल गया तो आगे पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। नेक्स्ट, 31 पे आ गए हम लोग। भारत के काउंसिलिंग ऑफ स्टेट्स को डैश के नाम से जाना जाता है, राज्यसभा। देखो तो कभी कभी लोग कंफ्यूज कर देते हैं, यहाँ पे लिख दिया इंग्लिश में काउंसिल ऑफ स्टेट, और कभी कभी ऐसे हिंदी में लिख देते हैं, इंग्लिश इंग्लिश वाला जब पेपर होता है तो यहाँ पे हिंदी पे लिख देते हैं, तो हमें दोनों नाम पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य सही है? यहाँ पे से नहीं होना चाहिए, कौन सा वाक्य सही है? सरकार राज्य का एक अंग होती है, राज्य का। ओके, कानून लागू करना सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है जिम्मेदारी, सरकार और राज्य एक ही हैं, और इन दोनों शब्दों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है, सरकार और राज्य, ऐसा तो नहीं है। मतदान के जरिए राज्य को बदला जा सकता है, वोटिंग के जरिए, जनरल वोटिंग नहीं होती इसमें, स्पेसिफिक वोटिंग होती है, तो ये भी गलत है, हमारा पहला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, नागरिक शास्त्र से राजनीतिक विज्ञान शब्दावली में बदलाव किस उद्देश्य से किया गया? नागरिक शास्त्र से राजनीतिक विज्ञान शब्दावली। ओके, आज्ञाकारी नागरिक विकसित करने के लिए, ऐसा तो नहीं होगा, विमर्शी नागरिक विकसित करने के लिए, यही है विमर्श, तो केवल बी सही है। नेक्स्ट,
भारतीय न्याय व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य गलत है? अगेन हमें गलत छांटना है तो ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। पहला, जनहित याचिका उन लोगों की तरफ से दायर की जाती है जिनके अधिकारों का हनन हुआ हो। ऐसा नहीं है, कोई भी डाल सकता है। एक एक होता है मतलब कि जो एनवायरनमेंट के लिए डाली जाती है कि कहीं कोई पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, तो वहां पे कोई भी इंसान डाल देता है, तब तो किसी पर्टिकुलर इंसान का नहीं लॉस हो रहा होता है ना, तो ये गलत है। पानी का अधिकार जीवन के मौलिक अधिकार का एक भाग माना गया है, मौलिक अधिकार का तो नहीं भाग माना गया है। तीसरा है, केंद्र और राज्य के बीच विवाद के मामले में उच्चतम न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता। केंद्र और राज्य के बीच उच्चतम, एक होता है उच्च न्यायालय ना, उच्चतम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ठीक। और तीसरा, अगर आरोपी को बचाव का अवसर नहीं दिया गया है तो उसे निष्पक्ष सुनवाई नहीं कह सकते। अगर आरोपी को बचाव का अवसर नहीं दिया गया है तो उसे निष्पक्ष सुनवाई नहीं कह सकते। तो मुझे फोर से सही लग रहा है। इसमें क्या, कौन सा वाक्य गलत है? अच्छा, गलत सही। सुधा, हमें गलत चुनना था यहाँ पे। ठीक तो क्या क्या था? जनहित याचिका उन लोगों की तरफ से दायर की जाती है जिनके अधिकारों का हनन हुआ हो, तो ये सही है। और मैंने इसे क्या एक्सप्लेन किया, मैंने कहा एनवायरनमेंट वाला फैक्टर लाइन है, तो ये इंडिविजुअल की बात कर रहा है ना, या सामूहिक जनयाचिका की बात नहीं कर रहा, इसलिए ये सही है। और ये सही है इसलिए ये इसे हम चूज नहीं करें, क्योंकि हमें गलत चूज करना है। अगेन गलत को ध्यान में रखना, जैसे मैंने अभी यहाँ गलती कर दी, वो नहीं होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, केंद्र और राज्य के बीच विवाद के मामले में उच्चतम न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ये गलत है, कर सकता है, वही उच्चतम न्यायालय ही हस्तक्षेप करेगा। तभी मैं यहाँ कंफ्यूज हो गई थी कि ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट को ही तो हम उच्चतम न्यायालय कहते हैं। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। तरंगे तब पैदा होती है जब समुद्री सतह पर पवन बहती है। समुद्र की सतह पर पानी का तापमान बढ़ जाता है। समुद्र की जब तापमान बढ़ता है तो वो इवेपोरेट होने लग जाती है, तब हवा कहाँ होती है? समुद्र की सतह पर गर्म और ठंडी जल धाराएं मिलती हैं। सूर्य एवं चंद्रमा पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाते हैं। सूर्य एवं चंद्रमा, सिर्फ चंद्रमा लगाता है, सूर्य तो नहीं लगाता, ठीक है। तो इसका ये सही आंसर यही हो जाएगा, समुद्री सतह पर पवन जब बहती है तो लहरें उठती है, ठीक है। देखो इसमें अगर कोई एक्सप्लेन में गलत कर दूँ तो प्लीज़ मुझे राइट कर देना। संघवाद से अर्थ है केंद्र सरकार के हाथ में सारे प्रशासनिक बल। दूसरा है, पूरे देश में एकमात्र प्रशासन, संघवाद। संघवाद देश में सरकार का एक से अधिक स्तर, यही सही है, देश में एक स्तरीय सरकार या प्रशासन नहीं। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या को केंद्रित होना चाहिए। सामाजिक विज्ञान की सभी संकल्पनाओं, तत्वों व जानकारियों को सम्मिलित करना, प्रासंगिक संकल्पनाओं को शामिल करना, जिससे सामाजिक राजनीतिक यथार्थों का विश्लेषण करने की क्षमता बन सके। ओके, इससे सही चुनना है कि कौन सा सही है। पहला क्या है, सामाजिक विज्ञान की सभी संकल्पनाओं, ओके, तथ्यों और जानकारियों को सम्मिलित करना। अच्छा, और बी देखा है, शामिल करना। ये ए वाला बी में ही कंक्लूड कर लिया इन लोगों ने। देखो, प्रासंगिक संकल्पनाओं को शामिल करना, जिससे सामाजिक राजनीतिक तथ्यों का विश्लेषण एनालिसिस कर सके, तो इसका बी सही होगा। नेक्स्ट है, महाजनपदों में मिलने वाले वलय कूप का उपयोग होता था। वलय कूप कपड़े धोने में, सिंचाई में, कूड़ेदान के रूप में या नाली के रूप में, वलय कूप।
आंसर देख लेते हैं, सी और डी, कूड़ेदान के रूप में और नाली के रूप में। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, धात्विक खनिजों के बारे में निम्नलिखित कथन ए और कथन बी पर विचार करें तथा सही उत्तर का चयन करें। कथन ए, सभी धात्विक खनिज अलोह खनिज होते हैं, धात्विक मेटेलिक। और बी है, अभ्रक एक धात्विक खनिज का उदाहरण है। ओके दोनों गलत है। इसमें बोला है कि सभी अधात्विक खनिज अलोह खनिज होते हैं, यानी मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक, ठीक है, इसकी बात कर रहा है, इसीलिए ये एक गलत है। इसमें तो आयरन इन्वॉल्व हो जाता है ना, जैसे अभ्रक एक धात्विक खनिज का उदाहरण है, अभ्रक नॉन मेटल है और ये धात्विक दे रखता है, इसलिए आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकेंड। पेट्रोलियम और प्राकृतिक, ऐसी ऐसी आहें आ रही है ना, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो धरातल की बहुत नीचे पाए जाते हैं का निष्कर्षण जिस विधि से होता है, निष्कर्षण मतलब निकालना उसे, और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कूप की खनन, प्रवेधन, आखनन या वृत्त खनन। तो ये प्रवेधन। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय भारतीय धर्म निरपेक्षता के सिद्धांत पर लागू होता है? राज्य धर्म के प्रभुत्व की रोकथाम नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, धर्म और राज्य के बीच सख्त अलगाव, ऐसा थोड़ी होता है, राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, तभी तो वो धर्म निरपेक्ष होगा। हमें हमारा आंसर मिल गया। आग्नेय शैली के बारे में कथन ए बी सी पर विचार करें तथा सही उत्तर का चयन करें। पहला, अवसादी शैल ताप एवं दाब के कारण आग्नेय शैल में बदल जाते हैं, अवसादी शैल, ठीक है, अग्नेय यानी इग्निशियस रॉक, अवसादी यानी सेडिमेंटल रॉक, नहीं तो ये हमारा गलत होना चाहिए। दूसरा दे रखा है, ये शैल पृथ्वी की परपट्टी और पृथ्वी की परपट्टी के काफी अंदर दोनों जगहों में मौजूद होती है। ग्रेनाइट और बेसाल्ट अग्नेय शैल के उदाहरण है। हाँ ये सही है, ग्रेनाइट और बेसाल्ट, 9th क्लास की बुक में दिया था ये वाला, ये भी सही है और बी भी सही है, ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा ये पहला वाला, बी और सी सही है तथा ए गलत है। ये जो बोला है ना, अवसादी शैल ताप एवं दाब के कारण अग्नेय शैल में बदल जाती है, यहाँ पे अग्नेय शैल में नहीं बदलती, यहाँ मेटामॉर्फिक रॉक में रूपांतरित शैल जो होती है उसमें बदलती है, ताप और दाब, मतलब टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से, ठीक है, इसलिए ये गलत है। निम्नलिखित संगम कविता पर ध्यान दें। संगम कविता, अच्छा, समुद्री जहाजों पर लाए गए तेज तटीय घोड़े, गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियां, हिमालय से मिले रतन और सोना, दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियां, प्राचीन भारतीय इतिहासकार के किस पहलू का ये साक्ष्य प्रदान करती है? प्रारंभिक समुद्र तटीय व्यापार, अफकोर्स ये बता रखा है कहाँ से क्या क्या आया गया, सिल्क रूट नहीं है ये, नए प्रश्न और विचार ये भी नहीं है, बौद्ध धर्म ये भी नहीं है, तो इसका साफ साफ आंसर पता ही चल रहा है, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने लायक है नहीं। 44, विद्यार्थियों में अन्वेषण कौशल और विभिन्न शिल्प केंद्रों की ऐतिहासिक समझ विकसित करने के लिए उन्हें निम्न नियत कार्य दिए जा सकते हैं, मतलब कि ये सब काम दिए जा सकते हैं किसलिए, अन्वेषण कौशल और शिल्प
शिल्प केंद्रों की समझ को बढ़ाने के लिए। पहला है इन केंद्रों को मानचित्र में इंगित करना और उनकी समकालीन अवस्थिति को पहचानना, मतलब अभी की अवस्था जो है। इन केंद्रों के अतीत और वर्तमान की स्थितियों के बारे में जानना और उनकी तुलना को एक रिपोर्ट के रूप में लिखना, ये सही लग रहा है। विद्यालय में विभिन्न शिल्प उत्पादों की प्रदर्शनी लगाने के लिए स्थानीय शिल्पकार को आमंत्रित करना, ये कहीं से भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम किसी को बुला रहे हैं और सिर्फ वो क्या बोलते हैं, प्रदर्शनी कर रहे हैं, इससे ये समझ कहाँ विकसित होगी? और ये एनालिसिस क्या एनालाइज करेंगे उससे? इसलिए ए और बी हो जाएगा इसका सही आंसर। मुगल साम्राज्य के दौरान नदी तट बाग डिजाइन में मकबरा एवं चबूतरे पर था, तथा बाग इसके उत्तर में। अच्छा, मुगल साम्राज्य के दौरान नदी तट बाग, ये कोई डिजाइन है, इसमें इनकी वो डायरेक्शन बतानी है कौन कहाँ पे था। जो जो बाग का डायरेक्शन बताना है, उत्तर में, पूर्व में, पश्चिम में, दक्षिण में, तो ये आप देख लेना दक्षिण में, मुझे इसके बारे में नहीं पता। नेक्स्ट, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को अपने स्कूल के समीप एक उद्योग की अवस्थिति के लिए निवेश और प्रक्रम का मानचित्र बनाने के लिए कहते हैं। इससे शिक्षक विद्यार्थियों के किस कौशल का मूल्यांकन करते हैं? मतलब बनाने के लिए कह रहे हैं उसे, वो तो इन्वॉल्व है। अन्वेषण, तुलना, विश्लेषण, ए और सी। अन्वेषण और तुलना विश्लेषण, कंपेयर नहीं करना है इसमें, कंपेयर का कुछ है नहीं, तो इसका आंसर सही हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा, 47, काफ़ी कुछ है। प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान को सम्मिलित करने, प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान को सम्मिलित करने में निम्नलिखित में कौन सा कारण सबसे उचित है? मतलब प्राइमरी में सोशल साइंस क्यों इन्वॉल्व किया गया, उसका रीजन बताना है। यह एक ऐसा विषय है जो सरकारी नीतियों को प्रचारित करता है, सरकारी नीतियों को। यह एक ऐसा विषय है जो विद्यार्थियों में राष्ट्रभक्ति पैदा करता है, सोशल साइंस। यह एक ऐसा विषय है जो सामाजिक व राजनीतिक मुद्दों के प्रति दिलचस्पी पैदा करता है। यह एक ऐसा विषय है जो कमजोर विद्यार्थी से, तो सही आंसर यही है, इंटरेस्ट को डेवलप करना, बच्चों को मोटिवेट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में प्रयुक्त पाठ्य पुस्तकों व सामग्रियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, सुझाई गई पाठ्य पुस्तकें एकमात्र स्रोत हैं जिनका उपयोग किया जाए, एकमात्र, ऐसा कुछ नहीं होता, एकमात्र। सुझाई गई पाठ्य पुस्तकें कई स्रोतों में से एक हैं, कई स्रोतों में से, ऑप्शनल में आ गया, तो यही सही होगा। और कॉम्बिनेशन दिया है क्या? अच्छा, कॉम्बिनेशन आगे भी देख रहे थे। पूरक सामग्री की व्यवस्था शिक्षकों के लिए आवश्यक बोझ है, लो बोझ कैसे है शिक्षकों के लिए, इसलिए हमारा सिर्फ और सिर्फ बी सही है, इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, जाति और जेंडर से जुड़े हुए द्विधात्मक विषयों को सामाजिक विषय की कक्षा में पूरी तरह से बचना चाहिए और कक्षा में शामिल नहीं करना चाहिए। अनिर्णित रखा जाना चाहिए और इन पर विभिन्न आयामों से चर्चा करनी चाहिए, अनिर्णित। विद्यार्थियों की भावनाओं के अनुसार चर्चा करनी चाहिए। शिक्षक की अपनी समझ और विश्वास मत पर आधारित चर्चा करनी चाहिए, विश्वास मत, देखो ऐसा कुछ नहीं है, इसका यही आंसर सही होगा। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? सही आंसर है 1951 और 1952 में। नीचे दिए गए लक्षणों के आधार पर वनस्पति की पहचान करें, ये वनस्पति खारे पानी में जीवित रह सकती हैं।
ओके, हेलोफाइटिक है ये। अंडमान और निकोबार के द्वीप समूह में पाए जाते हैं। ओके, सुंदरी इस प्रकार के वनस्पति की महत्वपूर्ण प्रजाति है। मैंग्रोवन में जो वो पाए जाते हैं पेड़, उन्हें सुंदरी ही कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मिलान करें। खूंड, निशी, बंजारा, गड्डी, कुल्लू, उड़ीसा, ये जनजाति हैं। ओह सॉरी 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 सॉरी, ये जनजाति हैं और ये प्लेस है कि यहाँ पे एक निवास करती हैं। तो हमें इसका इससे मिलान करना है। देख लेते हैं कौन सा है। कुल्लू है उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश है, महाराष्ट्र है। ओके, बंजारा, बंजारा महाराष्ट्र है क्या? थड़कड़ी, थड़कड़ी मिल गया, एक ही में फर्स्ट हमारा आंसर है, मुझे पता नहीं था लेकिन एक आंसर से मिल गया, बंजारा महाराष्ट्र हो गया। बाकी की देख लेते हैं। निशी अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश। और ए का बी, खूंड उड़ीसा में है और गड्डी कुल्लू में है, यानी हिमाचल प्रदेश। कुल्लू मनाली, कुल्लू मनाली, मेरे को भी जाना है कुल्लू मनाली। भक्ति और सूफी आंदोलन विषय पर पुनर्योजना बनाने बनाते समय शिक्षक को केंद्रित होना चाहिए। ओके, तत्कालिक समय में सामाजिक भिन्नता के प्रचलन को चुनौती देने वाले कारक के रूप में इन आंदोलनों के चित्रण पर चित्रण भक्ति भाव को प्रदर्शित करने के रूप में गानों, कविताओं और नृत्य के महत्व पर। भक्ति और सूफी आंदोलन विषय पर पुण्य योजना बनाते समय शिक्षक को केंद्रित होना चाहिए। अच्छा, किस पर ध्यान देना चाहिए मतलब है। हाँ, तो दोनों चीज़ें सही हैं, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, एक गतिविधि के आयोजन जिसमें अपने आस पड़ोस के बुजुर्गों से बातचीत करते हुए तथा भूमि उपयोग के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं में विद्यार्थी किन कौशलों का विकास करता है? ओके, बुजुर्गों से बातचीत करता है, भूमि उपयोग के बारे में जानता है, प्रश्न पूछना और अभिलेखन करना, सुनना और अन्वेषण, अनुमान लगाना और बातचीत करना, परिकल्पना बनाना और विश्लेषण करना। तो प्रश्न पूछना और अभिलेखन तो हो ही रहा है, ठीक है, स्किल स्किल डेवलप होगी इससे। सुनना और अन्वेषण, सुनने की कौशल, लिसनिंग कौशल विकास होगा, और सी है अनुमान लगाना और बातचीत करना। परिकल्पना इसमें उसकी डेवलप नहीं होगी, तो इसका ए सी और बी हो गया, ये आंसर बेस्ट है। कभी कभी हमें बेस्ट आंसर चूज करना पड़ता है, सही सारे लगते हैं। भारत में शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार के अंतर्गत 10 वर्ष की आयु से कम के बच्चों का किसी फैक्ट्री, खदान या किसी अन्य हानिकारक काम में रोजगार प्रतिबंधित है। तो ये तो 14 साल है, ये तो सबको पता होगा। नेक्स्ट है, विज्ञापन के बारे में विद्यार्थियों की समझ के निर्धारण में निम्नलिखित में से किन योजनाओं और कौशलों पर जोर देना चाहिए? पहला है आलोचनात्मक विश्लेषण और मूल्यों के संप्रेषण के संदर्भ में विद्यमान विज्ञापनों को संज्ञान में लेना। दूसरा है किसी विशिष्ट उद्देश्य या उत्पाद के लिए बन रहे विज्ञापनों में सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी। ओके, तीसरा है आलोचनात्मक उपबोध और प्रस्तुतिकरण की कैसे ये हमारी सोच और जीवन को प्रभावित करता है यानी एनालिसिस। विज्ञापनों के आधार पर बेहतर उत्पाद की तुलना करना, एनालिसिस विज्ञापनों के, विज्ञापन के आधार पे नहीं, उसके यूज के आधार पे भी कोई एनालिसिस की जाए तो सही होता। तो इसका ए बी और सी तीनों सही होगा, हमारा थर्ड आंसर सही है इसमें।
नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें। भारतीय कपड़ा उद्योग का पतन यूरोपीय और अमेरिकी कपड़ा उद्योग से मिल रही कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण हुआ। यूरोपीय और अमेरिकी? नहीं, इंग्लैंड यूरोपीय तो हो सकता है। यूरोपीय और अमेरिकी नहीं है बेटा, यहाँ पे इंग्लैंड से हमें प्रतिस्पर्धा मिल रही थी, तो एक बार के लिए यूरोप को कंसीडर कर भी लें, अमेरिका को तो नहीं कर सकते। ब्रिटिश, ब्रिटिश था ना, ब्रिटिश उद्योग यहाँ पे पनपा था, उससे हमें कंपटीशन था, हो रहा था। भारतीय कपड़ा उद्योग का पतन ब्रिटेन में भारत से आने वाले कपड़े पर भारी सीमा शुल्क थोपे जाने के कारण हुआ। तो यही वाला सही है, तो ए गलत है, बी सही है, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने जैसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालक्रम के अनुसार 13वीं से 15वीं शताब्दी के बीच दिल्ली के शासकों का सही उत्तराधिकार क्रम चुने। ओके, उत्तराधिकार क्रम मतलब कि दिल्ली में जो आए थे शासक, उनका वो बताना है कि पहले कौन आया था, दूसरा कौन आया था, तीसरा। ये तो सबको पता होगा, पहला तुर्की, खलजी, तुगलक और सैयद। हालांकि ये मुझे नहीं पता था, आप लोग सोशल वाले हैं तो आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिवेशों में, इसे भी अभी बजना था, उपनिवेशों में ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा चित्र और तस्वीरें बनवाई गई ताकि वे उपनिवेश और वहां रहने वाले लोगों को समझ सके। दूसरा, वे उन उपनिवेशों में अपने बिताए जीवन को याद कर सके। इसका ए सही होना चाहिए, ए और बी दोनों सही है। अच्छा, तो इसका सही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो हमारा लास्ट क्वेश्चन बस बचा हुआ है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जिसमें जातीय भेदभाव की कहानी बताते हैं का क्या नाम है? ओम प्रकाश वाल्मीकि का, ओम प्रकाश वाल्मीकि का, इसका सही आंसर है तीसरा, जूठन। तो हमारे इस तरह 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए सोशल साइंस के। बाकी के जो हिंदी के, संस्कृत के और सीडीपी के क्वेश्चन हैं, उन्हें हम किसी और वीडियो में करेंगे। मेन था मुझे ये सोशल का करना था, क्योंकि सोशल का मैंने नहीं किया था, अब मेरे पास नहीं था सोशल का, और सोशल के बहुत सारे बच्चे थे, तो देख के आपको पता चल गया होगा कि कैसा पेपर आता है। एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे गए हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।